नू हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामान खान की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी जब पिछले महीने विधानसभा भवन के अंदर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि मामान खान जहां जहां गए वहां पर हिंसा हुई है। उसी के बाद से तय हो गया था कि सरकार जल्द ही खान पर शिकंजा कस सकती है। ये बात खान को भी पता चल गई थी कि यदि वह जांच में शामिल हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हरियाणा के नू जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। मामन खान की गिरफ्तारी की पुष्टि फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार ने की है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। याचिका में मामन खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। कांग्रेस विधायक खान ने ये मांग की थी कि एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हो और नू हिंसा की घटनाओं से संबंधित मामलों को एसआईटी को स्थानांतरित किया जाए। मामन खान ने कोर्ट में ये भी कहा था कि वह घटना वाले दिन और उससे पहले इलाके में नहीं थे, लेकिन एसआईटी की टीम ने अदालत में वह सारे सबूत पेश किए जिससे ये साबित हुआ कि घटना के दिन मामन खान इलाके में ही मौजूद थे और लगातार हिंसा में शामिल लोगों के संपर्क में थे, जिससे ये साबित हो गया कि मामन खान का हिंसा भड़काने में पूरा पूरा साथ है। इसी को लेकर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद गुरुवार देर रात एसआईटी ने मामन खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामन खान की गिरफ्तारी की पुष्टि एसआईटी इंचार्ज और फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश वत्स ने की थी। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस विधायक को कोर्ट में पेश करेगी। मामन खान पर आरोप है कि नू हिंसा में उनका हाथ है। नू हिंसा के दौरान विधायक मामन खान मौजूद थे। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह आरोप लगाया था कि मामन खान जहां जहां गए वहीं से हिंसा भड़की थी। इसके अलावा तौफीक और खान के बीच हुई कॉल डिटेल के सबूत पुलिस के पास हैं। दोनों के बीच नू हिंसा से ठीक पहले की बातचीत हुई थी। अदालत में दो पुलिस कांस्टेबल के बयान को भी इस सबूत के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खान उन जगहों पर मौजूद थे जहां अगले दिन हिंसा हुई थी। इसके अलावा जांच टीम ने मोबाइल टावर से उनकी लोकेशन भी निकलवाई है। हालांकि खान कहते रहे हैं कि हरियाणा पुलिस उन्हें मामले में झूठा फंसा रही है, जबकि वह हिंसा वाले दिन नूह में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आई हैं जो खान के विरुद्ध गई हैं और जिसे पुलिस ने आधार भी बनाया है। 30 जुलाई को कांग्रेस विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने विधानसभा में आपके लिए लड़ाई लड़ी थी और मेवात की जमीन पर भी आपके लिए लड़ूंगा। वहीं पुलिस को एक और पोस्ट भी मिली है जिसमें लिखा है कि विधायक मामन खान मिशन पूरा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखने वाला व्यक्ति अभी फरार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।